एक अतिथि बैठे आप, पीछे के दर्शकों को नहीं दिख रहा, बैठ जाए या जो भी अंदर है कृपया बैठ जाओ, प्लीज बैठो जो भी, पीछे के दर्शकों को नहीं दिख रहा, कृपया अंदर है कृपया बैठ जाए जल्द से जल्द। जो भी इस बात करें क्रीड़ा मंच के अंदर है बात करें, कृपया बैठ जाए जल्दी बैठ, कृपया सूचित। सभी बैठ जाए पहले, सभी बैठ जाए, जो भी अंदर आ रहे हैं मैदान में बैठे जल्दी। कृपया ध्यान दें दोनों टीमों को लाइनअप करें, क्योंकि हमारे माननीय अतिथि तीन खिलाड़ियों के परिचय के लिए ग्राउंड नंबर 2 को ज्वाइन करेंगे। सभी ध्यान दें दोनों टीमों को लाइनअप होने के बाद संकेत करें, ताकि हम अतिथियों को ग्राउंड नंबर 2 पर भेज सकें। जालम सिंह जी पटेल, विधायक नरसिंहपुर, मधु दीदी मधु यादव जी, पूर्व ओलंपियन एवं अर्जुन अवार्डी, बहन लक्ष्मी ठाकुर जी जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग जबलपुर, पूर्व विधायक श्री हाकम सिंह जी चड़ा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री महेंद्र जी नागेश और हमारी समिति के तीनों प्रारूपों के अध्यक्ष श्री बद्री भाई जी चौथे, श्री ज्ञान वर्मा जी, श्री अमित जैन चलते हैं, गोटे गांव का आयोजन है, ये आपका आयोजन है। एक एक जिस बात की सवालनीय अमरनाथ सिंह पटेल साहब ने वो बात साफ परिलक्षित हो रही थी कि कितनी मेहनत से, कितने निष्ठा तन्मयता और समर्पण से ये जोरदार तालियां बजाए, जोरदार तालियां बजाकर बताए गोटे गांव हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मली एज 20 साल सारी टीम की केंद्रीय मंत्री आपसे रूबरू हो रहे हैं, और इस छोटे गांव के एक बेटा के तौर पे, इस क्षेत्र के एक अपना नेतृत्व के तौर पे समय बड़ा मजा है। जहां भिड़ रही है दो टीमें, एक तरफ इंडियन नेवी सुरजीत सिंह जैसा बड़ा सितारा बैंगलोर बात करें मिस्टर वैदांत वॉरियर्स और पुनेरी पंडल से कह चुके, दूसरी तरफ आप बात करें कई बड़े स्टार जिनमें आशिफ मलिक है, यानी कि सितारों की भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये हुई नमाज हमारे छोटे गांव के शहरवासियों की निष्ठा जुड़ी है इस आयोजन में। से आपको बुलिया जी जैसा कबड्डी का बड़ा सितारा, मधु यादव जी जैसा हॉकी, फाइनल मैच की शुरुआत होती हुई थी यहाँ पे, जिन्होंने भारत को गोटे गांव मध्य प्रदेश से बहुत ही शानदार टूर्नामेंट, इंडियन नेवी वर्सेस पाई, ये वो टीम है जिसने पिछले 3-4 साल से
बहुत अच्छा खेल खेला और पूरे इंडिया में नाम चमकाया। ये वही टीम है जो के सेवन की विनर टीम थी, फर्स्ट के सेवन सीरीज हुई उसकी विनर टीम वही टीम थी जो कि एन के अकेडमी नाम से मिली थी। ये चीज है बात करें इंडियन नेवी और दूसरी तरफ रोहित तोमर, सुरजीत नरवाल, इंडियन नेवी के स्टार मोहित नांदल, दोनों टीमें शानदार टीमें, बहुत ही शानदार गेम देखने को मिलेगा यहाँ पे। बड़े सितारों से सुसज्जित ये दोनों टीमें, दोनों टीमों में कम से कम 50,000 दर्शक यहाँ पे और ये इस मैच को देखने के लिए पहुंचे हुए। मानो हकीकत में बदलने के अवसर दे दिए हैं। निगाहें रखिए फाइनल मुकाबला, इस मैच की शुरुआत होगी। तो कहते हैं लाइव पहली रेड पे जबरदस्त टॉस टेस्ट पाई की टीम शानदार खेल दिखाती हुई यहाँ पे, बहुत ही शानदार एक और प्रो कबड्डी का बड़ा स्टार। आज हजारों निगाहें इस तरह लोगों पर तो श्रीधाम के खूबसूरत पावन धरा पर देखना होगा। फ्लॉप रेड पे कमाल संभाली है इस समय 11 नंबर के रेडर रिटान जी। इस रेडर की मैं क्या बात करूं दोस्तों, इसके ऊपर नजर रखिए, इस स्पीड देखिए इस रेडर के पास है, लेकिन डिफेंस मजबूत है सुरजीत की टीम का, क्योंकि सुरजीत ने अपनी टीम इंडियन नेवी पे वो खूबसूरत सितारे प्रो कबड्डी में जिनकी पहली चमक श्रीधाम में देखी गई है। जी हमें को देखना है क्या बात है, फिर एक बार 11 लाख की जर्सी पर विनर निश्चित ही देखता होगा। फिर एक बार इंडियन नेवी के लगातार इस समय इस रेडर पर शिकस्त पाती हुई क्या खूबसूरत टैकल कहा है श्रीधाम के इस खूबसूरत पावर पर। दर्शकों के बीच आकर लाइव कमेंट्री करना हमारे कोटेगांव के इतने बेहतरीन दर्शक क्या कहने के पूरा प्रदेश निगाहें गड़ाए खड़ा है। वे भी जवाब सेना में वीडियो से गले करके समय देखिए समझ रहा है कि एक ही दमा लेकर एक अच्छी खासी कमाई है
चुके हैं आशू मलिक, बड़ा नाम है इनका। 11 पॉइंट पे इस वक्त इंडियन नेवी, 4 पॉइंट पे है इस वक्त बात करें, 5 पे पहुंच गए। दूसरी तरफ इस समय 5 स्पोर्ट्स 10 नंबर की बसे गए और बड़ा खिलाड़ी वेट भी कमाल लेकर के देखना होगा। जोर सहाब है एक बार फिर से अच्छा खासा कर दिया कमाल, नावी का इस्तेमाल करके निकले और दो उंगलियां हवा में अजीत कुमार और रामवीर सिंह की, दोनों प्रो को बनी रेफरी। माननीय शेष बात करें प्रहलाद सिंह पटेल साहब हमारे साथ, माननीय एन पी प्रजापति जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में लोकप्रिय विधायक गोटेगांव, और सम्माननीय जानव सिंह पटेल साहब, वीर गुलिया जी, मधु यादव जी, हॉकी की एक बड़ा नाम, साथ ही साथ सम्माननीय मंत्री भी आप, सम्माननीय ज्ञान भी आप, और पूरी टीम हिमालय सम्राट मणिनागेंद्र सिंह जी पटेल मधु भैया के गौरव के पद है गोटे गांव का नाम से। 13 पॉइंट पे इंडियन नेवी, 6 पॉइंट पे है 22 स्पोर्ट्स, रेट की कमाल लेकर के एक नंबर की जर्सी में जबरदस्त सितारा इस समय देखना होगा इंडियन नेवी के लिए। देश किया खूबसूरती से नौ देखना है इनका खूबसूरत कैटर इस समय, बढ़िया कैश किया गया है नंबर 1 के रेडर के लिए और आवाशु मलिक 7 नंबर के जर्सी पर। क्या बेहतरीन रेडर है, पिछले स्तर के फाइनल मुकाबले में बेस्ट सितारे ने फिलहाल हमारे जब फैनर्जी की मामला होगा जीते वहां पर पॉइंट मिला है। इसी बीच लाजवाब कहने डैश आए बदल झपकते बिजली की मानिंग, 14 पॉइंट पे इंडिया नेवी, 7 पॉइंट पे है समय दूसरे तरफ भी 10 नंबर की दशे के खिलाड़ी रेट लेकर के बहुत ही खूबसूरती से मौके के आयोजन उत्सव से महोत्सव में बदल रहा है। क्या कहने गोटे गांव, यही गोटे गांव नर्मदा मैया के मानो आंचल का ये शहर, इसे मिट्टी की हमें पहचान है। श्रीदेव प्रहलाद सिंह पटेल साहब ने उद्बोधन में भी जिक्र की ये घर की इस बात कि जो भी कार्य यहाँ लोग करते हैं पूरे मन से और उसी की झलक देखिए इस समय कबड्डी से पूरे भारत में गोटे गांव का पहचान बन चुका है। भारत आए हैं रेट को लेकर के बड़ा सितारा बेंगलुरु बुल्स का भारत इस समय अच्छा खासा फुटबॉल शांत का फुल हाउस इस वक्त है। बात करें दोनों फाइनलिस्ट में एक तरफ 22 स्पोर्ट्स रेड कलर की जर्सी में और दूसरी तरफ इंडियन नेवी अपने नाव को मानो समंदर में उतार दिया है इस समय कबड्डी के समंदर में। सुंदरलाल भाई अपने विकास जी एक अच्छे शुरुआत की है आज इस मुकाबले के लिए क्योंकि फाइनल मुकाबले की निश्चित ही दिखाए होंगे नंबर 11 के खिलाड़ी इस समय देखिए क्या खूबसूरत है अपने भाई का इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ काफी जबरदस्त चलाते हैं लेकिन इस समय फिर बीत गए काफी अच्छा फुटवर्क है इस खिलाड़ी के पास डिफेंस को तहस तहस करने का काम किया और देखिए किस खूबसूरती के साथ है फिलहाल चोट आई है हमारे भाई का लीड तो बच चुकी है बड़ा देखना होगा रेट की कमान लेकर आए हैं भरत बड़ा नाम कबड्डी का एक पॉइंट और लेकर आए और अब वो पाई अकेडमी के लिए 12 नंबर की दसी में नाम है इनका उमेश उमेश आए हैं रेट पे देखना होगा इस समय डिफेंस है लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में उमेश ने शुरुआत की है रेट की लेफ्ट कॉर्नर से हजारों हजारों की तादाद आयोजन में 5 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी इंडियन नेवी का नाम है उमेश बड़ा सितारा ये उमेश उमेश रमेश ने ये कार्य किया बता दे नाम प्लेयरों का नाम बताई रखा आशीष आया आशीष वेद की कमान लेकर के आशीष बड़ा क्या रणनीति रहेगी इस समय आशीष की
तो बहुत ही शानदार माहौल इसके बाद आदरणीय मनोभिया का जन्म उत्सव भी सेलिब्रेट होगा। सुफियाना गायन का भी आनंद ले सकेंगे नागपुर से आए हमारे कलाकारों के द्वारा। और आज आशु मलिक दिखाई रहना है करते थे पूरी टीम ने सामने से दीदार करने के अवसर दे दिए, मानो सपना हकीकत कर रहा हो। और अपने की कमान भरत ने करके प्रोत्साहन का सितारा भरत देखा होगा इस समय। भरत तो वही काम करेंगे क्या जब श्री राम के वनवास होने के बाद उनकी जिम्मेवारी मिली थी, यहाँ पे मेन रेडर के जाने के बाद भरत को जिम्मेवारी मिली है, मानो उस समय एक बड़ी विरासत की आप रक्षा करना है, उत्तरदायित्व निभाना है। रनिंग हैंड अच्छी कोशिश छह लोगों की जैसे के खिलाड़ी 22 वर्ष हरियाणा देखा होगा इस समय छह लोगों की जैसे खिलाड़ी के बाद लेकर के जबरदस्त मुकाबला है ये। तो आई स्पोर्ट्स के लिए राहुल तेरे पे एंटी रेड आती है सर। अब लीजिए फ्लावर पर रेड खड़ा है नंबर एक खिलाड़ी इंडियन में भी इस समय टू और टाई पर बहुत समय रेखल के समय छह खिलाड़ी कोर्ट पर लगातार एक बड़ी जंगो जो है गलती हुई फ्लावर देखता होगा कि डिफेंस इस समय अपने आप को सही अंदर रखता हुआ वक्त धीरे धीरे और क्या बेहतरीन रिवर्स करके अपने आप को वापस लेकर गए। क्या टर्न देखा गया है अब आए हैं आशु मलिक रेड की कमान संभाले है इस समय। आशु मलिक एक शानदार सितारा प्रो कबड्डी दबंग दिल्ली की जान इस समय देखना है बनता है श्री धाम की जान। लीजिए आशु मलिक डिफेंस के बिल्कुल करीब इस समय छाई का डिफेंस बोनस ऑन है इस खिलाड़ी के लिए। फिलहाल डिफेंस को तहस तहस करते हुए एंड लाइन तक लेकर गए और फोर्थ स्क्वाड लेकर आया आशु मलिक ने दिल्ली का एक जाबाज सितारा आशु मलिक ने पॉइंट लेकर आया। स्कोर आइए देखें इंडियन ने भी 17 पे 12 पॉइंट पे है इस समय पाई एकेडमी हरियाणा रेड है बना लेकर की हुई थी भरत ज्यादा पहचाना नाम बेंगलुरु बुल्स का सितारा प्रो कबड्डी का लेकिन डिफेंस संयमित होकर खेल रहा है इस समय किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं पाई स्पोर्ट्स की जानते हैं इस मुकाबले की अहमियत। 10 नंबर की जर्सी में पाई स्पोर्ट्स के लिए विजय है लेफ्ट कॉर्नर पे राइट कॉर्नर 6 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं रोहित रोहित रेड की कमान लेकर के पाई स्पोर्ट्स के लिए डिफेंस 6 का सुरजीत सिंह अभी देखे आए कोर्ट से बाहर है बड़ा सितारा इस समय और कैश किया खूबसूरती से सुरजीत अंदर आ गए नाम लेते से ही सुरजीत का आगमन हुआ है कोर्ट में। बेंगाल वॉरियर्स मुनेरी पल्टन तमाम बड़ी फ्रेंचाइजी से खेल चुके एक बड़ा सितारा है सुरजीत सिंह लेकिन अब रेड की कमान 10 नंबर की जर्सी में इंडियन नेवी के लिए लेकर के देखना होगा इस समय आशीष रेड की कमान आशीष लेकर के फुटवर्क अच्छा खासा डिफेंस संयमित एकाग्रचित अनुशासित होकर प्रत्युत्तर देता हुआ एक बार फिर से मैं विकास साहब सभी का सहयोग क्रीड़ा मंडल की तरफ से श्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब पूरी आयोजक समिति मोनू भैया की तरफ से दर्शकों का क्षेत्रवासी और खेल प्रेमियों का अभिवादन इस समय नाम है इस समय भारत रेड की कमान लेकर के 4 के डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर 6 रन बनाए इस चेन ने तो चेन उड़ा दिया है और ये शानदार टैकल किया है चेन टैकल। स्कोर आइए देखिए इस समय 18 पे इंडियन नेवी 13 पे पाई स्पोर्ट सिकेट में भारत बाहर गए लेकिन आए हैं खिलाड़ी 12 नंबर की जर्सी में रेड लेकर के इस बार इतिहास रच रहा है बनेगा 12 नंबर की जर्सी में खेलते हैं पाई स्पोर्ट्स के लिए उमेश बाहर गया उमेश को 19-13 फासला 6 पॉइंट का जिम्मेदार भाई क्या दिलचस्प फाइनल मानो सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ा क्या विकास जी बिल्कुल जो 2 साल हमने इंतजार किया है इस क्रीड़ा मंडल टूर्नामेंट ऑल इंडिया का वाकई में आज वो अपनी जन्म सीमा पर देखा जा रहा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का
बहुत अच्छा इस समय साथ निभा रहे हैं आप। लाभ देख रहा होगा चलेंगे हम कोर्ट की ओर, मुकाबले की ओर जहां पर फाइनल मुकाबला है। इस समय इंडिया डेरी की रेड हुई लेकिन एम की रेड, और अब देखना होगा रेड की कमान सवार इस समय नंबर सात के रेडर आशु ने निगाह पर छाया हुआ ये खूबसूरत खिलाड़ी जिसका नाम है आशु मलिक। देखिए इस खिलाड़ी की उम्र देखिए और इस खिलाड़ी का जोश देखिए और स्किल देखिए, कितना टीम जाकर डिफेंस को चैलेंज करता हुआ इस समय, क्या बेहतरीन स्किल है इस खिलाड़ी के पास में साइड के रनिंग के ट्रैक के। हम स्किल का परिचय देते हैं, नाम है आशु मलिक, प्रो कबड्डी रेफरी हमारे तीनों ही, बात करें रामवीर सिंह, राणा रंजीत सिंह और साथ में अजीत कुमार, साथ में सुनील ठाकुर और अरुण कुमार जी हैं इस समय अंपायर। निगाहें रखना गोटेगांव वालों, क्या शानदार ये क्षण दिए हैं परिनागेंद्र सिंह पटेल, युवा तरुणाई के मालिक हैं और जबरदस्त कारवा आशीर्वाद समर्पण और संजीत की सामान्य राम सिंह पटेल साहब पूरे एक एक जनता का और हमें सानिध्य मिल रहा है श्रद्धे राज सिंह पटेल साहब का केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। और अब देखिए मैच 19-13 डू अडाई, आगे कुआ पीछे खाई, ये है डू अडाई, डू अडाई का मतलब बिना पॉइंट्स लिए नहीं जा सकते। निगाहें रखना छोटे समय निकल रहा है, रेडर की मुश्किलें बढ़ सकती है, आखिरी 15 सेकेंड, आखिरी 14 सेकेंड, 13-12 धीरे धीरे डू अडाई में वक्त 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, आखिरी 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, क्या टच हुआ है राइट कॉर्नर पे और जी आप कमाल कर दिया आपने 3 सेकेंड में जिम्मेदार भाई पॉइंट लेकर आए और नीचे को इस समय थर्ड रन पर आए हैं आशु मलिक। देखना होगा क्या आशु मलिक के लिए आपके डिफेंस पर लाभ, देखना है कि आशु हेलो मलिक की क्या रणनीति रहेगी, क्या आशु मलिक अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन करेंगे अपने कमाल लेकर आए 10 नंबर की जर्सी में इंडियन नेवी का एक और बड़ा स्टार इस समय। देखना होगा इंडियन नेवी के लिए बहुत ही जबरदस्त बताता दोनों चीजें चाहेंगे बेहतर करना इंडियन नेवी के लिए आशीष, क्या आज छोटे गांव का दर्शकों का आशीष लेकर आए भारत सिंह, पहले एंकल पे गए फिर ब्लॉक किया खूबसूरत स्किल टाइमली ब्लॉक आया लाजवाब टैकल किया है 22 सेकंड में विभाग सुपर टैकल और था और सुपर टैकल बनाया है 22 फुट में और लीजिए आशु मलिक कहीं ना कहीं आशु मलिक का साथ एक और रनर को देना होगा क्योंकि आशु मलिक की एक ऐसे अपनी टीम के लौटे रनर एक और रनर की कमी निश्चित दिखा रही है। लाभ देखना होगा कि आशु मलिक भरपूर संघर्ष करते हुए रेट की कमान पर इस समय वापस एंट्री रेट लेकर टाइम आउट जुल्फिकार भाई 18 पॉइंट आग से आग बनाता हुआ देखिए क्या तस्वीर बदल पाएगी। कोच बदला है अपने भी चली गई है दूर वाले छोर पे रेड की कम सिमे एवी के लिए बहुत ही सुंदर भाई इस बोल सोसेस में गई आज का रबीन सोगाली की मैच की कोशिश ये और सब पहले आप बोल से बात हो रहा है रिदम प्रदेश नर्मदा मैया के आंचल में बसा मानो ये गोटे गांव इतिहास रचता हुआ स्कोर आइए देखे 21-18 इन फेवर ऑफ इंडियन नेवी या 18-21 ये लीग मायने नहीं रखती है कबड्डी की रेड पर इस लीग को कवर किया जा सकता है। लाल देख रहा होगा इस समय नंबर 12 की रेड क्या बेहतरीन फुटवर्क है इस खिलाड़ी के पास में क्या बढ़िया स्पीड है इस तरह देखिए शानदार मुकाबला दोस्तों फाइनल मुकाबला पहले हाफ का खेल समाप्त हो चुका है दूसरे हाफ में देखता है क्या बेहतरीन ने वहां पॉइंट निकाला अंतिम 5 सेकंड पर जहां पर वापसी हुई है एक बार खूबसूरत डिफेंस की इस समय 22 स्कोर के कोर्ट पर अगर देखा जाए तो 6 खिलाड़ी यहां पर इस खिलाड़ी के लिए बोनस स्कोर है देखना होगा इस समय और उसके लिए पैर जरूर रखना चाहा है लेकिन डिफेंस
वो अपने करीब उठाकर डिफेंस से निकले वहां पर। और क्या क्या यहाँ बनाने के लिए मिलेगा, ये प्रो कबड्डी के खिलाड़ी है, नाम है इनका रोहित, एक नंबर इधर से देखिए विकास बोनस मिला है, इन्होंने पहले बोनस पर पैर डाला था और बस तो वहीं पर डिफेंस में उन्हें पकड़ने का प्रयास किया है, तो सीरीज के लिए भारत की वापसी हो गई है। विकास सितारा भारत आए हैं वापस, बोनस का है सैलरी का हो या कबड्डी के कोच का, दोनों प्रभावित करता है इस समय। रेड की कमान भरत लेकर के साथ बात करें, वापिस आऊंगा, रेड इस समय पाई स्पोर्ट्स की है और अब साथ आने के जैसे में पाई स्पोर्ट्स के लिए जबरदस्त ये कारवां खेल का नाम है इनका आशु मलिक के, सात नंबर की जैसे आशु के और अब आए हैं दस नंबर की जैसे रेड लेकर के इंडियन नेवी की तरफ से आशीष कर दिए गए। तकरीबन 20,000 से ज्यादा दर्शक इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं और पूरे इंडिया का नील गुलिया जी ने जैसा बताया, आज भी हमारे नील गुलिया जी के खिलाड़ी ने कार्य किया पाई स्पोर्ट्स के लिए उमेश ने और आपको थोड़े छोटी भी हो सकते थे, शानदार आक्रमक टेस्ट किया इस बार बहुत शानदार के, देखिए आप पूरे भारत का सबसे ज्यादा दर्शक क्षमता वाला टूर्नामेंट है, इतने ज्यादा दर्शक पूरे इंडिया में कहीं नहीं आते हैं, ये गौरव है गोटे गांव का। आओ हुए आसानों के जैसे ये खिलाड़ी आशु मलिक, बड़ा सुनारा दमन कर लेगा आशु मलिक, इलाहे रखना गोटे गांव वालों आशु मलिक है, देखा होगा सुपर टैकर ऑन है, सुपर टैकर का मतलब तीन या तीन से कम का डिफेंस हो, वहां वो टैकल करे तो दो पॉइंट मिलेंगे। गोटे गांव कबड्डी के मानचित्र पे पूरी दुनिया में एक पहचान स्थापित कर चुका है, आशु ने ज्यादा अंदर जाने की गलती नहीं की जो बिना भाई, लेकिन लगातार प्रयास कर रहे थे विकास, लेकिन ऐसे स्टार खिलाड़ियों से सुसज्जित दोनों टीमें गोटे गांव का गौरव बना है, मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा हुआ इस आयोजन से, टाइम आउट लिया है इस बार बात करें टीम पाई स्पोर्ट्स ने, और टाइम आउट का मतलब मैं कहता हूँ शाम की चाय और बड़े लोगों की राय लेनी जरूरी है, रणनीतियों में बात होगी और ऐसे हमारे बड़े राजनीति के दो ऐसे दिग्गज व्यक्तित्व श्री जय प्रहलाद सिंह पटेल साहब, सम्माननीय एमपी प्रजापति जी और साथ में दादा सिंह जी पटेल मोनू भैया, हमारे इवन करुणाई के मालिक का जन्म उत्सव है, उत्सव आज महोत्सव में बदल रहा है, इतिहास रचता हुआ अपना गोटेगा इस पावन मुनि धारा इस समय बारह नंबर की दसी में रेड की कमान निकल के एक बार फिर से पाई स्पोर्ट्स के लिए जबरदस्त मतलब अपना यह निगाहें रखिए, नाम है उमेश ने कमाया
उमेश का प्रदर्शन देखने आए थे आसिफ मलिक के साथ साथ उमेश अब टीम की वापसी कराते हुए 22-23 में देवी 26 में देवी की दैया थोड़ी सी टकराने लगी है जिंदाल भाई पाल के सामने देखना होगा क्या रवैया बन पाएंगे रोहित नांदल सलाम भरा था जो कबड्डी का सितारा नाम है रोहित नांदल देखना होगा कि भरत का ज्यादा देर तक बाहर रहना इस तरह गेंद देने के लिए काफी खतरा हो सकता है लीजिए एक तरफ तो है दूसरी तरफ नंबर चार के खिलाड़ी महज दो खिलाड़ी कोर्ट पर है सुपर टेकर और एक बेहतरीन नजर होगा देखिए सुरजीत का डिफेंस नहीं है फिर इस ड्रिबल के लिए एक खिलाड़ी का नजारा है देखिए सुरजीत की लगातार किस तरीके से इस बाबत को निभाया बेटी जवान एक नंबर की नशी है आशु मलिक ने दर्शकों का दिल जीत लिया है स्कोर आइए देखिए 25-28 आशा से 3 पॉइंट का बेटी जवान हमारे हैं और अब ऑल आउट करने भी देवी की तैयारी और कि आज की शाम भूल नहीं पाएंगे गोटे गांव के नाम है प्रो कबड्डी के सितारों के नाम है श्रद्धे प्रणाम करे साहब के ओर से यशस्वी नेतृत्व के नाम है और दर्शकों के स्नेह के नाम है गोटे गांव के मौकों का नाम है बड़ा देखना होगा इस समय बेहतरीन कारा 19-31 लीड में आ गई है अपनी इस समय इंडियन नेवी आखिरी 8-7 सेकेंड पूरा वक्त ले रहे हैं जबरदस्त मैच है जो दिलान भाई है कांटे की टक्कर दर्शक आज के साथ 16 स्लाइड देते हुए पिछली की बात इनकी गति है इनकी बहुत देखना होगा इस सब हल्की सी खामोशी है लेकिन बादल तूफान बन के निकले के क्या कह रहे हैं निश्चित ही अपनी पूरी रेट का इंतजार करते हुए अपने वक्त का और वापस गए हैं देखिए और रेट की और अब सुरेश काम करेंगे धूम अदाई है
या नहीं इस समय 29-32 का स्कोर थोड़ा सा ज्यादा शानदार तरीके से रनिंग हेड टच देखने को मिला खूबसूरती से इस मुकाबले में 30-32 लीड से दो पॉइंट इंडियन नेवी की भरत आए हैं देखते हैं और राइट इन के पास समय कोशिश की उन्होंने भरत लंबा सहारा हल्के से अनमने ढंग से गए एलपी प्रजापति साहब की प्रतिक्रियाएं बता रही है कि कितना खेल से लगाव है सजय महाराज सिंह पटेल साहब समाननीय राजा सिंह पटेल जी और हमारे दोनों खेल जगत की हस्तियां लाजवाब कमल आई हो ये शेर की जगह के जो बिना हुआ है और जहां तुर्की जैसे जहाज खड़े हो तो वहां पर सारी चीजें संभव है विकास रोहित अपनी हेड की रेड करना चाहेंगे पूरा वक्त लेंगे अपनी रेड पर देखिए आपकी अंतिम पूरे 30 सेकंड की रेट की है और अब आशु मलिक इस समय रेट के कमान पर देखता है आशु मलिक लेकिन आशु आपको साथ नहीं रहना होगा इनकी आदत है कबड्डी के कोर्ट पे आशु मलिक आए और तिलहनी मचा कर गए राइट चिपाना का शिकार किया 31-35 चार पॉइंट की लीड में इंडियन नेवी रोहित आए इंडियन नेवी का दो कबड्डी का सितारा रोहित रेट की गवाह करके जबरदस्त मुकाबला चार पॉइंट की लीड नेवी की नेवी ने लिया ये बेहतर हो दूर से ये टैकल करने की कोशिश थी एडवांस टैकल और रोहित आसानी से पॉइंट लेकर आए अब इंडियन नेवी है 36 पे और 22 स्कोर 31 पे फासला 5 पॉइंट का रेड की जवान 12 नंबर की दशा में 22 स्कोर के लिए 12 नंबर की दशा में नाम है इनका उमेश उमेश देखना होगा समय अच्छा खासा फुट पर उमेश ने शिकार कर दिया लाजवाब और आखिरी 5 सेकेंड 4 सेकेंड इस रेट में 3 सेकेंड ये भी नजर रखना होगा जमीदार भाई आखिरी 5 मिनट का खेल शेष गोतेगांव वाले अपने कुर्सी की पेटी बांध ले रोमांच के सफर पे चल पड़े हैं ये जानकार क्षण हो वाले स्मैश नहीं हो सकता गोतेगांव वालों निगाह घटना आशु मलिक आए हैं रेट में रोटी बटी का चमकता सितारा आशु मलिक आखिरी 5 मिनट कुर्सी की पेटी बांध लीजिए जगह से उठना भी मुनासिब नहीं हुआ क्योंकि अमिता अपना आजीवन याद रखने वाला है मन मस्तिष्क में रच मस्या आशु मलिक ने करार कर दिया जिंदगी भाई आशु जैसे रेडर को आए लॉन्च तक नहीं कर सकते वहां के विकास है ऊपर जीत के तरह वो पता वो हाथ में चाहिए राजी जी देखना है समय इस खेल का भी जवाब नहीं है लंबाई के साथ साथ अपने खेल का भी उतना है तो पूरा प्रदर्शन दिखाते हैं भरत लगातार देखना है भरत इस बार सकते हैं निश्चित उनके दिमाग पर कुछ रखकर चल रहा है लगातार पिछली दो रेट पर बोनस के साथ पॉइंट लेकर गए हैं और अपनी टीम को बढ़ती है लीजिए फिर एक बार बोनस लेकर गए हैं क्या शानदार एक एक पॉइंट बोनस के रूप में जा रहे हैं योगी भाई उन्हें जीतने भी जा रहे हैं देखिए की कमान संभाली है अब हाई स्पोर्ट के नंबर 6 के खिलाड़ी देखना है अच्छा प्यास अच्छा सपने इस खिलाड़ी के द्वारा डिफेंस को कहीं ना कहीं भाप रहे हैं इस तरह लेफ्ट के कवर के लिए भरत का शिकार करना चाह रहे थे एक बार फिर भरत
Thank you.